राम राम। कसार मंडळी, मी मनीष जैन, जळगाव जिल्हा, जामनेर तालुका, वडलोपारची शेती, परिवारची शेती, एकत्र कुटुंब। शेतीमध्ये आम्ही लावलाय आंबा, जसं मी बोललो तुम्हाला। दोस्तों, आपका मित्र मनीष दादा जैन आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ। आज हम लोग हमारे जो आम लगा है, केसर का बाग है, ये हमने हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी हमने प्लांटेशन किया है। इस खेती में हम लोग अभी देखिए, आज का तारीख है 28 तारीख, 28 जून 2021। हम लोग यहाँ पे मेरे बाग के अंदर में आप देख रहे हैं, हम लोग आम की कटिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे दोस्त लोग सभी आम की कटिंग कर रहे हैं। राजू भाई, इसकी ज़रा आम की कटिंग करिए, देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा एक 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 बताइए। देखिए ये जैसे ये झाड़ है ना, आइए मेरे पास साथ में, इधर आइए। देखिए जैसे ये झाड़ है, ये झाड़ के ऊपर में ऑलरेडी ये देखिए ये ब्रांच आई है। अब ये जो आई है, 1 2 3 4, 1 के 4 हो गए। अब ये 4 के हम 8 कैसे बनाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। राजू भाई, इसको कट करिए, देखिए, एक मिनट रुकना। देखिए नीचे से हमने ये, आप देख रहे हैं, आप यहाँ से हमने कितनी इसकी लाइन छोड़ी है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आँखें और है, 6 मतलब पत्तियाँ बहुत है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 4-6 इसमें से और निकल सकते हैं। तो हम इसका जो कट करना है, यहाँ से करीब 1.5 इंच और आगे मित्रों, यहाँ से कट करना चाहिए, ताकि हमारे झाड़ों में यहाँ पे कभी भी इसमें कोई कीड़ा, कोई आली ये नहीं जाए। अभी देखिए यहाँ से राजू भाई, यहाँ से कट करेंगे। देखिए एकदम कटिंग भी कैसी होना चाहिए, देखिएगा मित्रों, कटिंग एकदम सीधी होना चाहिए। कटिंग सीधी नहीं रही, कटिंग अगर आपकी टेढ़ी रही, ये झाड़ आपके या तो ऐसे निकल गए, करो आप कटिंग करो, ये झाड़ अगर आपका ऐसा हो गया तो आपका झाड़ खराब हो जाएगा। और एक झाड़ खराब मतलब आपका हज़ारों का नुकसान, मतलब आपके एकरों के अंदर में आप देखेंगे तो लाखों का नुकसान। अगर आप लाखों का नुकसान नहीं करना चाहते हो तो कटिंग बराबर करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे अगर अपन ने गई गई में या गलती से भी अपने ऐसे निकल गए तो अपना झाड़ खराब होगा। देखिए बहुत बड़ा मोहर आया था इस झाड़ के ही, मैंने कट है, देख रहे हैं आप, इसमें केरी लगी हुई है, सुंदर सुंदर सी प्यारी सी केरियाँ लगी, बहुत बढ़िया फूल लगे हुए हैं, कितनी अच्छी पकड़ है, वेराइटी बहुत अच्छी है, झाड़ बहुत सही है, केसर है, केसर का बाग है। पिछले अगले साल जब आएंगे 2022 के अंदर में, मैं आपको आमंत्रण करूँगा, आप भी आइए मेरे यहाँ पे खेत के अंदर में, मैं आपको खिलाऊंगा। देखिए हमारे यहाँ पे मित्र आए हैं, इनका नाम है हमारा अबू भाई। अबू भाई, आप बताइए इनके बारे में, आम की खेती आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। आपका नाम, परिचय दो पूरा पहले। नाम अबू लाला शेख जामनेर। जोर से बोलो, थोड़ा सा वीडियो में आएगा। अबू लाला शेख जामनेर, यहाँ से हम इधर ही रहते हैं हम। ये देखे हमने नई टेक्नोलॉजी की केसर आम की खेती, बहुत ही अच्छी और मजबूत ऐसी खेती दादा कर रहे हैं, इसके उसमें हम यही देखने के लिए आए। आप देखिएगा, आपको पसंद आई खेती? बहुत अच्छी। कुछ नया लगा आपको? एकदम नया लगा। आम के बाग कभी ऐसे देखे थे आपने? कभी ऐसा प्लांटेशन देखा था? कभी नहीं। चलो मित्रों, इनसे मिले आपको, मैं दूसरे से मिलाऊंगा। हमारे पहलवान बोलते हैं तो बहुत काड़ी, माचिस की काड़ी है, लेकिन इनको हम लोग प्यार से अनिश दादा बोलते हैं। अनिश पहलवान है हमारे। अनिश भाई, आपका परिचय दीजिए। आओ। अनिश खान इब्राहिम खान पठान, और हम भी किसान हैं, हमारी भी खेती है बाजू में है, मगर अभी तक हमने जो खेती की है तो वो अलग करते थे हम खेती, मगर आप मनीष दादा ने जो अभी खेती कर दिखा है तो हमको इसका बड़ा यानी ताज्जुब हो रहा कि खेती करना चाहिए तो इस तरीके से, दिमाग से। पहले कर रहे थे हम, सोच रहे थे ये बोल रहे कैसा होगा क्या होगा, मगर अब हमने देखे एक साल के बाद तो हमको भी एहसास हो रहा कि ऐसी खेती पूरे तालुके में क्या पूरे सब किसानों ने करनी चाहिए, ताकि सब इसमें सफल हो सके। मनीष दादा ने जो मेहनत कर खेती की है यहाँ, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम बार बार देखते भी हैं और देखने के लिए भी आते हैं। अगले साल हम खाएंगे। सरर काट दो एकदम, ये एकदम बढ़िया। देखिए मैंने आपको बताया था एक कटिंग कैसे हो रही है, एकदम सीधी। अब आप समझ रहे हैं ना, मैं बता रहा, थोड़ा सा अगर बंदे ने अगर टेढ़ी कटिंग करी और ये अगर ऐसा टेढ़ा निकल गया तो क्या होगा, इसमें से फिर ये सूखेगा, झाड़ डैमेज होगा, झाड़ डैमेज होगा तो अपना फल डैमेज होगा, फल डैमेज होगा तो अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एकदम प्लेन होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, जिससे अपना नुकसान ना हो। कैंची बहुत अच्छी ले, थोड़ा सा खर्चा उसमें होगा आपको, अच्छा औजार रहेगा, अच्छी धार वाली चीज़ रहेगी, लेकिन आपका जो है काम बहुत बढ़िया होगा। अब आप सोचेंगे कि इस सीज़न में देखिए ये नई बाहर आई है, ये नई बाहर का हमने क्यों छटनी कर दी, समझो ये जो है अपने पत्तियाँ हैं, ये ऊपर की जो बाहर है एकदम नहीं है, कौली है भाई, इसको क्यों कम कर दिया हमने, इसको क्यों कट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको इसीलिए कट कर रहे हैं कि ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे इसको कट करते जाएंगे हम, तो ये ऊपर से तो नया निकल रहा है, लेकिन हमें नया की जरूरत नहीं, हमें नए ब्रांचेस की जरूरत है। ये देखिए नया शूट है, ये बीच बीच में से तो आगे बढ़ता जाएगा, झाड़ बढ़ता जाएगा, हमको झाड़ को बढ़ाना नहीं है, झाड़ को हमें हाइट हमारे आनी ज्यादा जितनी रखनी है, 6-7 फुट की रखने की है मैक्सिमम, और उसके ऊपर 2 फुट भी बढ़ा सकते हैं, जमीन डिपेंड पे, जमीन पे रहता है, लेकिन हाथ से ही आम तोड़ करके हम उसको बराबर लें,
अगले वीडियो में आपको और मिलूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, जब भी ये कटिंग करिए इधर आइए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आइए देखिए थोड़ा पास में, ये जैसे ये प्लेन कट किया हुआ है हमने, बराबर है, ये जो हमने बता रहा हूँ मैं आपको, ये बूंदा प्लेन कट किया हुआ दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल देखिए प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। अब ये जो इसके बारे में है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे प्लेन है, अब इस पर हमने कटिंग तो आज कर रहे हैं, आज शाम को हमारे यहाँ पे जो खेत के अंदर में ये जो दो लोग हैं ये लोग हमारे जा करके स्प्रे करेंगे, इसके अंदर में स्टिकर लगा करके स्प्रे करेंगे। स्टिकर मतलब वो वॉल पे चिपकाने वाला स्टिकर नहीं, स्टिकर एक आकर लिक्विड आता है जो बरसात के अंदर में झाड़ों पे लगा रहता है, तो इससे क्या आपका अटैक जो है कीड़ों का, इस पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा, और इस पर कीड़ों का अटैक जब नहीं होगा तो ये चीज़ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये थोड़ा सा खर्चा है लेकिन स्प्रे जरूर करना, नहीं तो कीड़े हैं, बरसात का मौसम है, कीड़े तो निसर्ग है, निसर्ग से भी आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देखे आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और काफ़ी लोगों का आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पास ऑन करनी होगी तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।